अरे ये कहाँ गया? इसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखकर नहीं लग रहा मुझे। जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे सामान को बेड पर नहीं देखा तो मैं तो तुम समझी होगी कि मैं मर गया हूँ या कुछ और हो गया है मुझे। उन्हें चादरें बदलनी थी, इसलिए मैं बाहर चला गया। परेशान मत हो, तब तक नहीं मरूंगा जब तक अच्छी तरह अपने बारे में जान न लूं मैं। अच्छी खबर है। खैरियत है, क्या खबर है? बिल्ली ने जो बच्चे दिए थे बड़े हो गए, अब इन्हें घर चाहिए। और मेरी प्यारी बहन अपना घर कब बसाएगी? भाई आप भी ना। चलो बता भी दो, किसी को पसंद करती हो? मेरे ख्वाब कुछ अलग हैं भाई, अभी यहाँ पढ़ रही हूँ, फिर बाहर जाकर पढ़ना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर करनी भी हो तब भी अपनी बहन किसी को इतनी आसानी से नहीं दूंगा मैं। वादा करें मुझसे। वादा करता हूँ, जबान देता हूँ तुम्हें। दिखाओ तो। मैं अपना वादा नहीं निभा सका, ना ही तुम्हारा ख्याल रख सका। कम से कम इनकी हिफाजत तो मुझे करनी चाहिए, है ना? अपने भाई की हिफाजत के लिए शादी की है तुमने, तो जो जरूरी है वो करना होगा। यह अंगूठी तुम्हें हमेशा पहननी होगी, अब तुम कराबे खानदान की बहू हो। दरिया साहबा जब चाहती हैं तुम्हें डांट देती हैं, अब तुम भी खामोश मत रहना। नहीं अम्मी, मैं एहतियात करूंगी। हाँ यही बेहतर है। उस लड़की के साथ कल रात सब कुछ अजीब हुआ, मुझे तो ऐसा लगा दोनों भाई एक दूसरे को जान से मार देंगे। जो कुछ कल हुआ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर कल तो हो गया ना, बारान साहब ने अब तक अपने भाई पर हाथ नहीं उठाया था। बस अल्लाह रहम करे। और थप्पड़ मारा भी तो उस कातिल की बेटी को बचाने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुल खामोश हो जाओ। ओ माशाल्लाह, काम करने के बजाय तुम लोग खानदान के मसाइल को डिस्कस कर रही हो। देखिए दरिया साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं। जो सुनना था वो तो सुन लिया मैंने। दोनों भाई लड़े क्यों थे, मुझे भी बता दो कुछ। हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक है तो ना बताओ तुम, और तुम्हें तो मैं देख लूंगी। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकती गुल। चलो अब जल्दी काम खत्म करो। तैयार हो जाओ, नाश्ते के लिए चलो। मुझे नहीं जाना। तुम्हें चलना तो पड़ेगा।
संग दिल आदमी। मैं कल अली नाम पुकार रहा था। हाँ, हो सकता है तुम्हारा नाम अली हो। हो सकता है, अगर नहीं भी है तो यही रहने देते हैं। मुझे बल्कि हमें एक दूसरे की जरूरत है। ठीक है, याद करो तुम्हारे साथ हादसा कैसे हुआ, वहां पर तुम क्यों गए थे? कोई पता, कोई फोन नंबर याद है तुम्हें? कुछ याद नहीं मुझे। कौन हूं मैं, क्या मेरी फैमिली है, क्या कोई मेरे लिए परेशान भी है, कुछ नहीं पता मुझे। जैसे मेरा वजूद कभी था ही नहीं। फिक्र मत करो, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। पता चल जाएगा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। जा रही हो? हादसे के वक्त कुछ चीजें मिली थी, उन्हें लेने जा रही हूं मैं। हो सकता है कुछ पता चल जाए। क्या तुम्हारी माँ ने कुदरत को नाश्ता दे दिया? जी मैं दूंगी। बारान अभी तक उठा नहीं क्या? वो उठ चुके हैं, सुबह घोड़सवारी के लिए भी गए थे और अब तैयार होकर स्टडी रूम में चले गए हैं। और वो लड़की? वो अभी अपने कमरे में है। अपनी माँ को कहो बारान को नाश्ते का कहे, हम इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है मोहतरमा। क्या कर रहे थे अब तक तुम? कुछ नहीं, बस घूम फिर रहा था। मैं गवाहों की मौजूदगी में आप दोनों को मियां बीवी करार देता हूँ, यहाँ पे दस्तखत कर दीजिए। और वो भी आपकी वजह से। बारान साहब, मोहतरमा ने भेजा है, नाश्ते पे आपका इंतजार किया जा रहा है। रुके जरा, क्या वो नाश्ते के लिए नीचे आई? नहीं, वो कमरे में है। दादी से कहें मैं थोड़ी देर में आता हूं। तुम्हारे गिरे हुए पत्ते बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जो दोबारा शादाब नहीं हो सकते। बेटी ऐसा नहीं कहते। वहां उस दरख्त की तरफ देखो जरा, हवा चाहे कितनी ही तेज क्यों ना हो, इसकी शाखें कभी भी नहीं टूटती। क्या तुम जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि हवा के मुताबिक ये दरख्त मजबूत होने के लिए अपनी शाखें फैलाता रहता है, समझे तुम? इसके पत्ते गिरते हैं लेकिन शाखें कभी नहीं टूटती। इस दरख्त की तरह तुम्हें भी जिंदगी गुजारनी है बेटी। हर मुसीबत और परेशानी के लिए तैयार रहना पड़ेगा तुम्हें। इस तरह तुम्हारी शाखें कभी नहीं टूटेंगी और पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। मौसम के गुजरते ही
तुम्हारे पत्ते सब्ज हो जाएंगे, फिर तुम अपनी शाखों की हिफाजत करना सीख जाओगी। चलो नाश्ता तैयार है, मोहतरमा को नाश्ते पर सब घर वालों की मौजूदगी पसंद है, तैयार होकर नीचे आ जाओ। कपड़े नहीं है मेरे पास। ओह, तुम्हारे तो कपड़े भी बहुत गंदे हो रहे हैं, बारान से कहो वो तुम्हें खरीद कर देगा। कभी नहीं, कराबे खानदान से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चलो चलें। ये क्या कर रही है यहाँ पे? रुक जाओ जिहान। तो क्या करूँ मैं दादी, मैं इसके साथ एक ही टेबल पे नहीं बैठ सकता, मुझे अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है। मैंने कहा बैठ जाओ। क्या तुम्हें किसी ने यहाँ बैठने को कहा है? तुम एक हकीर और कातिलों के खानदान से ताल्लुक रखती हो, तुम नहीं बैठ सकती यहाँ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, समझ में आ गई बात? चलो जाओ, तुम किचन में जाओ, दादी जान का ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, समझी? तुम्हारा यहाँ पे सांस लेना भी मना है, समझ गई तुम? मेरे भाई को परवाह हो ना हो, लेकिन मुझे परवाह है। जिहान बस करो, कदर लड़की को यहाँ से ले जाओ। आ जाओ बेटी, चलो चलते हैं। जिहान जाओ, जरा घूम फिर कर आओ, पुरसकून होके वापस आना, तुम्हारा भाई तुम्हें ऐसे ना देखे। नहीं आऊंगा, स्कूल जा रहा हूँ मैं। आप थोड़ा पानी पी लीजिए, तबीयत बेहतर हो जाएगी आप। जिहान क्यों चीख रहा था? कुछ नहीं बेटे, तुम बैठ जाओ। वो कहाँ चला गया? स्कूल गया है, इंतजार नहीं कर सका, देर हो रही थी उसे। वो कहाँ है? किचन में है वो। वो यहां बैठना नहीं चाहती थी। आप लोग नाश्ता करें। चलो बेटी ये खा लो। भूख नहीं मुझे। हाँ, कैसे भूख नहीं है, कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया, तुम इस तरह कब तक भूखी रहोगी? चलो नाश्ता करो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। रो लो लड़की, रो लो, दिल हल्का हो जाएगा।